हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ काजल और आप सभी का मेरे चैनल काजल की किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सूखे सेवई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सूखी सेवई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे शुगर शरब बना लिया है। मैंने एक पैन में लगभग एक बोल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है। तो पानी हल्का हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें लगभग हमने आधा बोल चीनी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक इसे ऐसे ही पका लेंगे। इसमें दोस्तों अब हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। तो ये मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया है, लगभग एक पिंच। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा हो जाए। और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें हम एकदम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे। तो ये मैंने आधे ढक्कन इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो शुगर सिरप है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ ही अब हम एक पैन ले लेंगे और इस पैन में लगभग 1/2 टीस्पून घी डाल देंगे। घी हल्का सा मेल्ट होने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से आमंड्स, थोड़े से काजू और ये थोड़ा सा खोया लिया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आमंड्स और काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे घी में रोस्ट कर लिया है। 1 मिनट के बाद हम इसे निकाल देंगे और खोया को भी हम लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद मैंने इन सबको निकाल दिया है और इसे अब हम साइड में रख देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, सेम इसी पैन में हम लगभग 1 टीस्पून घी और डाल दिया है और घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सेवई। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रोस्टेड सेवई यूज़ किया है। आप चाहे तो जो नॉर्मल सेवई है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल सेवई यूज़ करेंगे तो इसे काफ़ी देर तक आपको इसे पकाना होगा। तो ये मैंने रोस्टेड सेवई यूज़ किया है, तो मुझे इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसे घी में डाल दिया है। इसे अब हम अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 बोल दूध। तो ये दूध मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला यूज़ किया है। दोस्तों, हम दूध को सेवई के साथ एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। दोस्तों, याद रहे इस टाइम पे फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हम लगभग इसे ढक कर 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। 1 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा काफ़ी पहले से सूख चुका है और जो हमने जो चाशनी बनाकर तैयार किया था उसे भी अब हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, चाशनी हमें हल्का सा गरम इसमें डालना है। अगर ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे हल्का सा गरम कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें सारा चाशनी डाल दिया है। इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। दोस्तों, जो हमने ड्राई फ्रूट्स को पहले रोस्ट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने काजू, आमंड्स और खोया इन सबको इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिया है। इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक ढक कर ऐसे ही पका लेंगे। दोस्तों, बीच बीच में हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लगभग 2 मिनट के बाद इसे चेक किया है। हल्का हल्का सा पानी अभी भी है इसमें। इसे ढक कर हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सूखी सेवई है वो बन के बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोस्तों, अगर आपको घर में कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सर्व कर दिया है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खोया और डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।